देवा अबे साले उठना। चलो मैं जाना है अभी, वो लड़की तेरा वेट कर रही है। क्या हाल क्या है? साला बच्चा नहीं, सुअर का बच्चा है। जरा सभी ढीला पड़ता तो मार डालता आज मुझे। भाग गया साला। दौड़, दौड़ता रहे। कब तक दौड़ेगा? आधा घंटा, एक घंटा? उसके बाद तो तुझे पकड़ ही लूंगा, तुझे ढूंढ कर ही दम लूंगा हरामी की औलाद। भाग! Oh!
बारिश, बारिश के साथ मेरा रिश्ता काफी गहरा है। माँ कहा करती थी, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी, और तभी से जब भी बारिश होती है मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर होता है। अच्छा या बुरा नहीं पता, पर होता जरूर है। पर काश ये बारिश आज अच्छा पैगाम लाए, क्योंकि पावनी स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही है और मुझे उसके पास जाना ही होगा। मुझे जीना होगा और जीने के लिए भागना पड़ेगा। कभी मैं फुटबॉल के मैदान में भागा करता था, एक आम लड़का जो खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे भागा करता था। मेरे पिताजी सुमित सूर्यवंशी PWD में एक मामूली से क्लर्क थे। जिंदगी भर मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हमेशा ईमानदारी से काम किया। मेरी माँ शांति सूर्यवंशी टीवी सीरियल की दीवानी, किसी भी सीरियल को नहीं छोड़ती हैं। सीरियल देखते देखते कभी हंसती हैं, तो कभी रोते हुए सीरियल के एक्टरों से बात करने लगती हैं। बेचारी थोड़ी तो कॉमेडी सीरियल देखकर वो हंसती हैं और मेलोड्रामा देखकर रोने लगती हैं। सही हुआ, बिल्कुल सही। हमारा घर, हर घर की तरह हमारे घर के भी कई सपने थे। हमारे घर के सारे सपने सिर्फ मुझे लेकर थे। मेरे पिताजी की एकेडमिक क्वालिफिकेशन +2 फेल, इसलिए वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनका बस एक ही सपना था, मैं भी इंजीनियर बनके उनके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूं। लेकिन मैं पढ़ने में बिल्कुल नालायक। देवा, ए देवा, इतनी देर हो गई है, कहाँ गया ये लड़का? देवा, ए, तुमने देवा को देखा क्या? नहीं देखा। क्या करता रहता है ये लड़का? नंदू, ए नंदू, क्या हुआ? देवा है क्या? यहाँ तो नहीं है, वो तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? उसने कहा घर जा रहा है। घर पर तो आया ही नहीं। क्या रे, आज तुम लोगों के स्कूल में कोई मैच है क्या? नहीं तो, आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। ओह, तो ये बात है। आज मेरा रिजल्ट निकला है। मार्कशीट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे संडे से भरा हुआ कैलेंडर हो, बस रेड इंक से भरा हुआ। अब कहाँ जाऊंगा मैं? सच में माँ की नजरों से बच पाना मुश्किल है। इस बार भी माँ ने मुझे ढूंढ ही लिया। रुक जा, आने दे तेरे पापा को, आज तो आर्या पार करके ही रहूंगी। नहीं, पापा से कुछ मत बोलना। बोलूंगी नहीं, बार बार फेल होगा और मैं बोलूंगी नहीं। अगर पापा से कुछ कहा तो मैं घर से चला जाऊंगा। जा ना जा, पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, तब यही आएगा मरने के लिए। नहीं नहीं आऊंगा, होटल में काम करूंगा, पैसे जमा करके खुद का होटल खोलूंगा। क्या? कामचोर, बाप सपना देखता है इंजीनियर बनने का और बेटा होटल खोलने का सोच रहा है। आ गए। अच्छा, तुम क्या कभी मुझे शांति से ऑफिस में काम भी नहीं करने दोगी? तुम्हारा नाम आखिर शांति किसने रखा था, बताओ? हाँ, एक घंटे में 10 बार फोन। ओह, तुम्हारे ऑफिस में तो शांति ही शांति है, और इधर तुम्हारे बेटे के चलते मैं जलती रहती हूँ। रो क्यों रही हो? पहले ये टीवी बंद करो, जब देखो हंगामा मचा रहता है। घर में घुसो तो ऐसा लगता है कोई मर गया है। जाओ शरारत करो, बाल मुड़वा कर आ जाओ। तुम्हें तो लगता है मैं बस टीवी देखती हूँ, तुम्हारे बेटे की वजह से मैं शांति से टीवी भी नहीं देख सकती हूँ। नवाबजादे का आज रिजल्ट निकला है, जाके देख लो तुम। क्या हुआ? फेल हो गया? यही ना, तो उसमें कौन सी मुसीबत आ गई बोलो? क्या? जब देखो तब तुम उसकी पढ़ाई के पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा, तुमने कौन सा IAS पास किया है और मैंने कौन सा IPS पास किया है? वो कोशिश तो कर रहा है, हाँ? कर लेगा। हाँ। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मैं अकेला आ जाता। क्यों ना आऊं मैं? मुझे भी तो देखना है, तुमने टेस्ट करवाया है भी या नहीं, तुम्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुपचाप रहो। एक बात बता देता हूँ, अगर बराबर पैसा नहीं मिला ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, आता हूँ आता हूँ। अरे इधर ही आ रहे। सो सुब्रतो भाई, अरे रुकिए, बात करनी है। पूरी फैमिली के साथ कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल टेस्ट करवाने आया हूँ, शुगर का टेस्ट करवाने। तुम्हारी भाभी ने जिद की थी इसीलिए। आप लोग बात कीजिए, मैं खरीदारी करती हूँ। हाँ? हाँ। और देवा? वो सामने की दुकान से किताब खरीदने आया है। जग्गा भाई आए हैं। सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हें कितने पैसे दूँ? 200 या 300 में हो जाएगा? ये लो, तुम अपनी किताब खरीद कर ट्यूशन के लिए चले जाना। हाँ, मैं आता हूँ, बात कर लेता हूँ।
गाड़ी में जग्गा को देखते ही पापा ने मुझे वहां से हटा दिया। कुछ महीने पहले हमारे मोहल्ले में रंजीत अंकल का जग्गा ने खून कर दिया था और उसका खून होते हुए मेरे पापा ने खुद देखा था। उसके बाद से ही 6 महीनों से वो मेरे पापा को धमकियां दे रहा है और मेरे ख्याल से आज भी ऐसा ही होने वाला है। नंदू, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने अपनी आंखों से रंजीत का खून होते देखा है, तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी? सिर्फ नाइंसाफी नजर आई और कुछ नहीं दिखाई दिया? अपनी फैमिली के बारे में एक बार भी नहीं सोचोगे? आपको तो जग्गा भाई के बारे में पता ही है, आपकी तो बीवी भी है, जवान लड़का है, उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचोगे क्या? उसके बारे में मैं क्यों सोचूंगा? सोचने वाले भगवान है ना, वही सोचेंगे। नहीं नहीं नंदू, झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ, हो गया? ठीक है, तो फिर और मैं क्या बोलूं, चलता हूँ। ठीक है भाभी, मौसम खराब हो रहा है, लगता है बारिश होगी, ध्यान से रास्ता पार कीजिएगा। क्या रे, क्या बोला उसने? बहुत समझाया, नहीं समझा? नहीं समझा, आप ही समझाता हूँ सारे को। चल आए तो बोल देना। हाँ, एक्सीडेंट का केस था। ठीक है, और बोल देना कि मेरे घर से जाके एक आईफोन ले ले। ठीक है, बिल्कुल। माँ, 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 क्या हुआ माँ? अब अगर मैं घर वापस ना भी जाऊं तो भी मुझे ढूंढने वाला कोई नहीं होगा। मेरे माँ बाप अब मुझसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं या नहीं। अचानक मैं बिल्कुल अकेला हो गया। जग्गा ने मेरे माँ बाप को सबके सामने मार डाला, लेकिन किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बदला लूंगा। क्या बच्चे, यहाँ खड़े होके क्या कर रहा है? भूख लगी है? वह तो लगेगी, 2 दिन बाद भूख के मारे पेट में आग लगेगी, तब अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़े होके उससे पूछना कि उसे कुत्ते की मौत क्यों मरना पड़ा और क्यों तुझे कुत्ते के पिल्ले की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। जा बेटा घर जा। ए, कल भाई कमीने के हाथ में चाकू है। अबे सुअर के बच्चे, ए पकड़ जरा चाकू, लेके घूम जा, मारेगा मुझे। बस बस छोड़ दे, अब इसे ज्यादा मारेंगे मर जाएगा साला, लफड़ा पड़ेगा। एक काम करता हूँ, थाने में एक कॉल करके अंदर करवा देता हूँ, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। हेलो, क्या हुआ जगह भाई? ये देखिए ना, इसने मुझे मारने की कोशिश की, चाकू चला दिया, कमीना। नाकाम रहा, माँ बाप की मौत का बदला लेने में नाकाम रहा, बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 15 महीने की जेल हो गई मुझे। जेल,
पता नहीं यहाँ पर क्या होता है। ये देखने की किस्मत हर इंसान की नहीं होती, लेकिन जो देखता है उसे बदकिस्मत कहते हैं। पिछले 2 दिनों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। आज 15 तारीख है, जिन हाथों में ट्रॉफी होनी चाहिए थी आज उन्हीं हाथों में हथकड़ियां हैं। न जाने किस्मत मुझे कहां लेकर जाएगी। नाम बता। देवा। पूरा नाम बता। देवेंद्रनाथ सूर्यवंशी। अटेम्प्ट टू मर्डर। कपड़े उतार। अब जल्दी उतार। पैंट उतार। पैंट उतार। सुअर कहीं का? सुनाई नहीं देता। समझ नहीं आती। बात समझ नहीं आती। शर्म आ रही है। शर्म आ रही है हरामखोर। बात नहीं मानता। माइक। सर। ये हरामखोर शर्मा रहा है। अंदर ले जाओ। नंगा करके खाल उधड़ इसकी। चल। लगता था कि यहां पर मेरे आंसू पोंछने वाला, मेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन जल्दी ही मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई। बच्चा है, हमारे ही उम्र का होगा, कल पूरी रात भर रो रहा था बेचारा। हाँ मैं भी सुना था। वो सारा माइक का बच्चा नंगा करके पिटा इसे। ए, क्या क्या कर रहे हो? चलो चलो। हेगड़ी निकालूंगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या बोला? कसम शेरा वाली की, छू के दिखा जरा एक बार उसे। चल। देख रहे हो सर कैसे निकाल दिया। ए, क्यों मारा तूने उसको? अरे आप इतना टेंशन मत लो, ये जो बंदा है ना वो हमारे गैंग में है। आप जाकर देखे खाना बनाया या नहीं, भूख के हमारे जान जा रहे हैं यहाँ पर। क्यों रे, सही बोला ना? एकदम। दाढ़ी बनवा के मिलके जाना। ए, मुझे ना देखकर क्या खा रहा है बे? हीरो समझता है गधा कहीं का। देखा उधर जा रहा है क्या?
पकड़ के बाल काट देंगे। तू सिर्फ 15 दिन का मेहमान है, छूटने के बाद पार्लर में जाना। ले इसमें पानी भर के ले गया। अरे उसे क्यों बोल रहे हो, वो हमारा दोस्त है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ए तू भर के ला, ले पकड़। तुम नहीं संभाल के, ओए तू अकेला ऐसा मत घुमा कर, तुझसे काम करवाएंगे वो। ओए ले आ इसे, अकेले मत छोड़ना। चल चल अबे चल आ जा चल। मैं नहीं जानता पिंटू गोपाल सुजय अली ये अच्छे हैं या बुरे, पर ये समझ गया था ये लोग जेल में आते रहते हैं। सुना है इन पर खून का आरोप है, जेल में किसी से नहीं डरते, यहां तक कि पुलिस से भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनके गैंग में शामिल होना सही होगा या गलत, पर इतना जरूर समझ गया था इन लोगों के साथ रहने से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे नींद चुराई मेरी, हाय हाय किसने ओ सनम। अबे चुप, किसने तेरी नींद चुराई? तू ही तो है वो मेरी जान। अबे चल हट, आगे से चल, इसका लड़ाई हम दोनों। हाय हाय आजा ना, हाय हाय आजा। ए इतना चिल्ला क्यों रहे हो, चुपचाप सो नहीं सकते? अरे इससे क्यों डर रहा है, तू बैठ जा बैठ जा, ये तो अपना ही आदमी है। बॉस 2 दिन कहाँ पर गायब थे? हाँ तुझे सोने के लिए बोला ना। इतना गुस्सा क्यों? अगर फैमिली में कोई लफड़ा है तो मुझे बताओ। इतनी सी कम उम्र में 4-5 केस है तेरे ऊपर, ये सब छोड़ के अच्छा काम नहीं कर सकता? अरे कितना बातें हो तुम, तनखा तनखा कितना? 10,000 12,000 और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 15,000, वो भी पूरा महीना रगड़ने के बाद। हमें कितना मिलता है पता है? 20,000 एक केस का, समझे? तुम मेरी सलाह मानो, जल्दी से हमारे साथ आ जाओ बॉस, हैवी इनकम है। चुप, तुम लोग खून करते हो, पाप नहीं लगता तुम्हें? अरे फिर से वही बात, हर संडे मटन नहीं खाते क्या? बकरा या मुर्गी खाते हो, उससे पाप नहीं लगता? ये साला पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए खून किया तो पाप नहीं लगता? हम तो पेट के लिए खून कर रहे हैं ना, और वैसे भी इससे अपना ग्लैमर बढ़ता है, लोग डरते हैं, तुमसे कौन डरता है? अब देखो इस साले को पूरी रात तुम लोग ने पीटा, तुम मुझे पीट सकते थे? अच्छा चलो लो मारो, मुझे मारो ना, मैं चीर के ना रख दूं। अब जाओ सोने दो, डोंट डिस्टर्ब, जाओ जाओ उठो। ओफो दिमाग खराब कर देगा, थोड़ा सा कर ले रोमांस। टडंग डंग डंग टडंग डंग डंग टडंग डंग डंग डंग। कैदी नंबर 115 इधर आओ। हाँ सर वो टॉयलेट गया है, 2 नंबर। बुलाओ सर उसकी बीवी आई है मिलने के लिए। ठीक है सर। ए सुन, उसकी बीवी चिकन बनाकर लाई है, तू उसे ले ले, पूछे तो बताना कि यहाँ बाहर का खाना बना है। हाँ हाँ ठीक है सर। अरे बिस्कुट तो दे जा। क्या सर इतना भी नहीं होगा। कैदी नंबर 420 साधन पांडे इधर आओ। सनातन बैरा के हमसे मिलने के लिए आने वाले थे, क्या हुआ? कौन? सनातन बैरा की बिजनेसमैन। तुम्हें कोई नहीं आया मिलने, आता तो बताता ना, अब दिमाग मत खा, काम करने दे मुझे, जा। 350 नंबर कैदी रमेश, घर से 2 लोग मिलने आए हैं तुमसे। साफ सुथरा लोगों से सब लोग मिलने आते हैं और हमसे कोई मिलने नहीं आता है, मजाक चल रहा है क्या? क्या हंगामा है, कोई आएगा तभी तो बताऊंगा, कोई नहीं आया, भाग यहां से जा। कैदी नंबर 282 मैं भी देखता हूं। कालीचरण, मैं जानता था ऐसा ही होने वाला है, इस बैरा के पर जरा सा यकीन नहीं था। इसकी वजह से मुझे तो साले को देखते ही लगा था, साले एक नंबर का धोखेबाज है, पर ये साला। अबे देखना जरूर आएगा, अपनी जमानत के लिए जरूर किसी बड़े वकील के पास गया होगा, भोकट का गुस्सा करता है। तू सनातन के भरोसे आराम से बैठा रहे, मैं तो चला। ए भाई अली सुन ना मेरी बात। अरे अरे छोड़ मुझे। अरे सुन ना, भरोसा करके अरे सुन। गुरु गुरु थोड़ा सुनो ना, एक सुट्टा मारने दो ना। सुट्टा क्यों भाई, क्या पकड़? पूरा सिगरेट ही ले ले। अरे थैंक यू गुरु थैंक यू, तुम जैसे अच्छे इंसान को इन लोगों ने जेल में बंद करके रखा, ये भी कोई बात हुई? बोलो क्यों रे, सिगरेट का जुगाड़ नहीं कर पाया तू यहाँ? हमसे तो मिलने ही कोई नहीं आता, सिगरेट कहाँ से आएगा? क्या करके आया तू अंदर? मर्डर खुले रोड पे, पिछले महीने की 16 तारीख की खबर नहीं मिली क्या? उसी केस में आया हो। तूने मर्डर किया है? हाँ, मैं और मेरे दोस्त ने मिलके, टीम वर्क। मैं यहाँ एक मामूली से स्मगलिंग के केस में अंदर आया हूँ, मुझे सब मिलता है, पर तुम लोग मर्डर करके यहाँ आए हो पर कुछ भी नहीं मिलता। अगर ये अपना शहर होता ना तो इतने दिनों में तू VIP बन जाता। अरे गुरु आप किस शहर की बात कर रहे हो? कोलकाता। Thank you.
थैंक यू गुरु, थैंक यू। आज तुमने मुझे बस सुट्टा ही नहीं दिया है गुरु, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल दी तुमने। थैंक यू, आज से तुम ही मेरे गुरु हो। ठीक है ठीक है। सुन, वो सनातन बैरा की यहाँ कभी नहीं आएगा और हम भी यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। वो सारा पक्का हरामी है, सारा कांड हम पर थोप कर खुद पतली गली निकल लिया। सुन, गुरु ने अभी अभी बोला है कोलकाता में अपने जैसे मर्डरर का काफी डिमांड है। एक बार वहाँ गए ना तो गाड़ी, बंगला, पैसा, दारू, कच्ची गली और वो क्या चिकनी चमड़ी, जानते हो ना, वो सब मिलेगा वहाँ पर भाई लोग। भाई भाई सुनो ना, घोड़ा भी मिलेगा, घोड़ा। भाई एक बात बोलो सीरियसली, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, क्या बोलते हो? धत तेरी। इसे हम यहां छोड़ गए तो पीट के मार डालेंगे। देवा चल हमारे साथ। सनातन को फोन लगा तो। मैंने बोला था ना, एक नंबर का हरामी है। क्या हुआ? अबे क्या पूछ रहे हैं, क्या हुआ? 20,000 पर हेड होता है, 40,000 दो लोग का होता है, सारा चार पैसा हाथ में आता वो भी नहीं। क्या हुआ बोलेगा भी? उसका फोन आउट ऑफ सर्विस आ रहा है, साले ने जरूर सिम फेंक दिया होगा कहीं पर। भाई बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। तो मैं क्या करूं, भूख तो मुझे भी लगी है। बस 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 यहीं पे बस। कितना हुआ? 50 रुपए। अरे इसने तो बहुत ज्यादा पी लिए, अब इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक नंबर जाना है, टॉयलेट किधर है? अरे ये रहा। ए भाई बाथरूम इस तरफ है। थैंक यू थैंक यू। अरे उठ, आई लव तू संभाल इसको। अरे अरे क्या हुआ? कल सुबह देखेंगे, दिखाना दे। ये ले तू भी ले। क्या रे, क्या हुआ था, जेल क्यों गया था, क्या हुआ बता। जग्गा नाम के एक गुंडे ने भरे बाजार के सामने गाड़ी से कुचलकर मेरे माँ बाप को मार डाला। सभी ने देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैं चाकू लेकर उसे मारने के लिए गया तो उसने मुझे जेल पहुंचा दिया। ए, रो मत, खा ले। क्या हुआ, खा। ए, सोया नहीं?
माँ बाप की याद आ रही है, मार दे, कल सुबह ही कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। अगर माल नहीं मिला ना फाड़ के रख दूंगा। ओ दादा भाड़ा तो दो। एक सेकंड, क्या हुआ? पैसा। ये एक थप्पड़ मारूंगा ना मुंह घूम जाएगा तेरा, चल निकल। एक और बात सुन ले, माल के साथ अगर सही से पेमेंट नहीं मिला ना तो समझ लेना खाल खींच के भूसा भर दूंगा। खाली माल जा रहा है, पेमेंट आ ही नहीं रहा है, बोल दे रहा हूँ अभी तू मुश्किल में पड़ने वाला है। अबे अंधे, ये एक थप्पड़ मारूंगा ना दांत बाहर आ जाएगा, चल निकल। हाँ एक और बात सुन, अच्छों के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ और बुरों के लिए बहुत बुरा। अबे ए, कौन है? चोर! ए, चोर! अबे ए, चोर! ए, कोई नहीं मारेगा, देवा मारेगा। ए देवा, इधर आ तू। अरे इधर आ, जल्दी कर। ए आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। आ, 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 पकड़, पकड़, पकड़। क्या हुआ, क्या हुआ? अबे क्या कर रहा है? अबे ये पकड़, ठीक से पकड़, पकड़। ले ले, ठीक इधर मार, ठीक इधर मार देवा। राजा दे, सारे को किसी ने मार दिया है सर, मंदिर के सामने। जगह किसने मारा? पता नहीं सर, मैंने आंखों से नहीं देखा है। बोल रहे थे कुछ बच्चों ने मार दिया। क्या कहा? कुछ बच्चों ने मिलकर मार दिया।
अबे साला, ये तो देख पेपर में हमारे बारे में लिखा है। क्या लिखा है पढ़। जेल तोड़ के 5 मुजरिम भाग गए। उन्हें पकड़ने के लिए अफसर अजय विश्वास के साथ पुलिस का एक ग्रुप शहर का चप्पा चप्पा छान रहे। रुक रुक रुक, अजय विश्वास ना। फोन लगा साले को। हेलो, कौन? क्या बोलते साहब, सुना है आप हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं? अरे आस्ती आस्ती, इतना गुस्सा मत कर। सेहत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हम गुस्सा हो गए तो जानता है क्या होगा? आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा तुम लोगों का पता ठिकाना जन कुंडली सब ढूंढ निकालूंगा और तुम सबको जिंदा काट दूंगा। अबे पहले हमें ढूंढ के तो निकाल के हम कहां पर है? ट्रेस करो कि फोन कॉल कहां से आया था। यस सर। ये मेरे ससुर जी थे, अभी उनका फोन आएगा। कह देना आपका दामाद है ना, आप ही के घर गए। ठीक है। क्या हुआ? चल चलो चलते हैं। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ वो आपके दामाद ही थे, बोल के गए कि आपके घर जा रहे हैं। शिट। हे, गाड़ी घुमा क्विक। क्या हो गया? अरे बता, कोई आया तो मुझे ढूंढने? बोलो कोई आया था क्या? नहीं तो क्या हुआ बोलो। क्यों बे, अब तुझे कौन बचाएगा? हाँ तुझे तेरे घर के अंदर घुस के पीट रहे हैं। देख लिया हमारा दम, अब देख तेरे साथ क्या करते हैं। मैं अजय विश्वास हूँ, सोच भी नहीं सकता कि तेरा क्या करूंगा। सुअर की औलाद साला। बाबे, आपके लिए छोड़ दिया इनको, समझाओ इसे। इसके बाद हमारे काम में टांग अड़ाए ना, काट के फेंक दूंगा। अरे हाँ, हमारा दिमाग थोड़ा गर्म था तो तोड़ दिया हमने कुछ, हो सके तो जोड़ दीजिएगा, आप ही का फायदा होगा उससे। चलते हम लोग। ए, चलो यहाँ से। अच्छा चल निकलते हैं। हाँ चलो चलो। तो रो रहे रे। अरे लाइफ का पहला मर्डर है ना, होता है होता है, देखना कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अरे बच्चा है रे, खून देख के घबरा गया क्यों बे, है ना? मेरे पापा का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, मेरा सपना था फुटबॉलर बनने का, और बन गया खूनी। लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अबे क्या बोल रहा है खत्म हो गई, लाइफ तो अब शुरू हो गई है। लेकिन ये सब खून खराब, ये सब सही नहीं है। अबे सही गलत का फैसला करने वाला तू कौन होता है बे? साला तुझे क्या लगता है हम लोग क्या बुरा काम कर रहे हैं? हम सब बुरे लोग हैं। नहीं ऐसा नहीं है, पर खून तो खून है ना, क्राइम तो क्राइम है। अबे ये साला तो ज्ञान बांट रहा है।
सुन ले, हमारे साथ है इसलिए अभी तक जिंदा बचा है। तुझे अगर उन पुलिस के पास छोड़ के आते ना तो डंडे पड़ते बराबर। ज्ञान दे रहा है हमें। डर लग रहा है तुझे? मेरे माँ बाप चाहते थे कि तूने तो अपने माँ बाप को देखा है, उनका खूब प्यार दुलार मिला है तुझे, और मैं कौन माँ है कौन बाप मुझे तो ये भी नहीं पता। शहर के बस स्टैंड में सबके लात घूंसे खा के बड़ा हुआ हूँ। सबके सब काम करवाते थे और मारते थे। जिसको बाप समझता था, एक दिन उसने कहा वो मेरा बाप ही नहीं है, मैं उसे डस्टबिन में मिला था। मैं साला डस्टबिन का बच्चा हूं, समझा? डस्टबिन का बच्चा। एक दिन बस स्टैंड पे सोया था, तीन लड़के आके पैसे मांगने लगे, बोले कि नया रूल है स्टैंड पे सोना है तो उनको पैसे देने होंगे। हफ्ता नहीं दिया, इतना मारा नाक मुंह से खून निकाल दिया, इतनी जोर से गला दबाए कि थूक निकलना मुश्किल हो गया था, किसी ने बात करने का मौका तक नहीं दिया मुझे। दूसरे दिन वो कमीने फिर वापस आ गए, पैसे मांगे, मेरा साला सर घूम गया। बाजू की दुकान से एक कांच की बोतल उठाई और साले के सर पे जोर से दे मारी, साला वहीं खत्म हो गया और बाकी सब वहां से भाग गए, और मैं पूरी रात डेड बॉडी के पास बैठा रहा। और उसी दिन उस पल से मेरा सारा डर खत्म हो गया। अब तू बोल, बुरा कौन है, मैं हूं या फिर वो लड़के? सुन, जिंदगी की सबसे बड़ी बात है कि तुझे जीना है, और उसके लिए साला जो करना पड़े वो करके ही रहेगा। अरे तू ये सब बातें उसे क्यों बता रहा है? क्यों? क्योंकि तुझे भी जीना होगा, तुझे खुद के लिए जीना होगा। सुन, हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, तू अपने घर भी मत जाना, किसी रिश्तेदार के घर भी मत जाना, तू कहीं दूर भाग जा, जहां तुझे कोई ना जानता हो ना पहचानता हो। दूर कोई रहता है तेरा? क्या हुआ, किसी को जानता है? और कहां जाता मैं, उन्हीं के साथ निकल पड़ा। टिकट 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 दिखाइए, टिकट 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 दिखाइए, टिकट टिकट क्या हुआ, टिकट दिखाओ टिकट। ओ विदाउट टिकट हो, चलो चलो उठो 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 मेरे साथ, चलो उठो। क्या हुआ, क्या हुआ सर, ऐसे मार क्यों रहे हो? ओ तो तुम भी इसके साथ वहाँ, चलो उठो नीचे उतरो, उठ उठ नीचे उधर, उठ नीचे उधर। अरे क्या हुआ, तू क्या बोल रहा है, तू भी इनके साथ है क्या? उठ चलो नीचे उतर, उठ नीचे उतर, जल्दी नीचे उतर, टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। दिखा रहा हूँ टिकट, आपने क्या सोचा है बिना टिकट के जा रहा हूँ क्या? खाली दिखा, हाथ उठा रहे हैं। अरे बाबा, जनरल कंपार्टमेंट का टिकट लेकर एसी में सोने आए हो और बड़ी बड़ी बातें। चलो चलो, वहाँ पे भीड़ था इसलिए यहाँ खाली जगह, तो यहाँ आकर सो गया। वहाँ बहुत भीड़ थी ना, चलो चलो तुम सबको खाली जगह में ले चलता हूँ, चलो चलो उठ उठ। मारते क्यों सर, जा तो रहा हूँ, इतना फायर क्यों हो रहा है, बात बात पर हाथ उठा रहे हैं। निकल, चलो बाहर, चलो चलो यहाँ से, एसी में जाएंगे, बैठ, जेब में पैसे नहीं, एसी में जाएंगे, पैसे निकाल, ए पैसे निकाल, पैसे निकाल, चल तू भी पैसे निकाल, पैसे निकाल, चल जल्दी कर, पैसे निकाल, पैसे निकाल रे, ए चल जल्दी कर, पैसे निकाल, जल्दी निकाल। पैसे नहीं है, जिसके पास है वो बाथरूम में है सर, मार क्यों रहे हो? बाथरूम में? हाँ, इसका मतलब एक आदमी और है। हाँ, ए जल्दी से बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी। क्या रे, तू इनका लीडर है? हाँ, चल पैसे निकाल, फाइन भर, पैसे निकाल, मैंने कहा ना पैसे निकाल। मारा क्यों, आगे पीछे सोचे बिना तूने झट से हाथ कैसे उठा दिया? टिकट नहीं है तो फाइन ले ले, हाथ क्यों उठाया? बोल, तेरे को मारना नहीं, मुझे मत मारो, मुझे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। अबे छोड़ 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 इसे, भाग भाग, चलो चलो, ए चल चल चल।
भाई को पैसे देते तो इतना हंगामा नहीं करता। बताओ अभी कोलकाता कैसे जाएंगे? तो क्या करता, उसने हाथ क्यों उठाया? एक काम कर, यहाँ से बस मिलेगा ना, चल बस पकड़ते हैं। पहले पता लगाते हैं जगह कौन सी है। ओ भाई कौन सा जगह है ये? पूरा लोड है ये, क्या बताएगा? अबे साले शराबी, अंडरग्राउंड पता है, इस जगह का नाम क्या है वो बता। कोलियारी गंज। अच्छा ये बताओ, कोलकाता जाने के लिए? अरे छोड़ ना, क्या शराबी के मुंह लग रहा, चल यहाँ से। चल, अरे बोल तो रहा था वो। ले पकड़। ओए दो रोटी देना। ए, तू लेगा? ले ले आराम से खा। मुझे एक रोटी दे। अबे साला हाथी का बच्चा, ये ले पकड़। ए, तुम लोग यहाँ? अरे मैं कामदेव कामू, जलपाईगुड़ी जेल, चार मोटर, भूल गए? अरे कामदेव, अबे अपना काम है ये, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? गुरु, अपने को कोलकाता कैसे भी जाना होगा, बस अपने को एक चम्मक चलो पकड़ा दो ना। कोलकाता? हाँ भाई। ठीक है, जाएंगे। हमारे एरिया में आए हो, मस्ती कर लो कुछ दिन, फिर चलेंगे कोलकाता। दो दिन रुक जाओ, एंजॉय। चलो। कहाँ जा रहा था और कहाँ पहुंच गया, पर वो चारों लोग उसी में खुश थे। उस दिन मैंने एक औरत को देखा जिसे मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। कैसी रही मस्ती? मस्त थी ना कोलियारी स्पेशल? और कोई मिला नहीं तुझे, ये करेगा मस्ती? पता नहीं, सब पता है तुझे। बोल हरामजादे कहीं के, नहीं तो जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। बोल। सर आप विश्वास कीजिए, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सर उससे पूछा मैंने, वो बोल रहा है उसे कुछ नहीं पता है, और ये भी बोल रहा है कि अगर उन्हें पता चला कि अभी वो लोग कहां पर हैं, तो अपने हाथों से उसे पीट कर मारेगा। नहीं, उन कमीनों को सिर्फ मैं मारूंगा। मुझे अब बस एक क्लू चाहिए, बस एक क्लू। क्या कर रहे? रख उसे, रख। आ जाओ। ये जगह पूरी तुम्हारी है। पुलिस यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, मिलिट्री को भी तुम्हारा पता नहीं चलेगा, और जो जो भी चाहिए वो सब यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। अब जब तक चाहो तब तक यहीं रहो,
उसे पहली बार मैंने यहीं पर देखा था। माँ बाप के जाने के बाद पहली बार मुझे खुशी मिली। शायद ये पहली बारिश थी जो मेरी जिंदगी में खुशियां लाई।
नमस्कार बाबा। क्या खबर है मामा? सिलीगुड़ी से कुछ लड़के आए हैं, एकदम पक्का माल है। वरुण वाला केस इन लोगों से करवा ले क्या? चाय पीनी है? नहीं, तुम अपने इन लड़कों को अच्छे से चाय पिलाओ। मामा, मामा वो लोग देखने में बच्चे जरूर है पर काम में बिल्कुल। तुम भी क्या उन लोगों के साथ बच्चे हो गए कामू? पता नहीं किस स्कूल के बच्चों को पकड़ कर लाए हो इतना बड़ा काम करने के लिए। पकड़े गए तो हम सब लोग जेल जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम भी उन लोगों के साथ चाय पीकर घर चले जाओ। मामा ओके मामा। कौन था वो? मामा मामा मेरा गुरु इस कामू का वेल विशर। मामा ही मेरा सब कुछ है। एक समस्या खड़ी हो गई है। वरुण सिंह, वो वरुण
बहुत दिनों से मामा और वरुण के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। साला ये कोल्ड वॉर बंद करना होगा, इसलिए तो तुम लोगों को मामा के पास ले गया था। मामा को तुम लोगों पे भरोसा नहीं हुआ, कहा बच्चे हैं तुम लोगों से नहीं होगा। दरअसल बात क्या है, इस कोलियारी एरिया में मर्डर करना इतना आसान नहीं है। साला सबके पास हथियार है, सबके पास। चलता हूँ, यहाँ से बस मिल जाएगी, ट्रेन से भी जा सकते हो। चलो फिर मिलेंगे। अरे भाई और कहाँ मिलेंगे, सीधे जेल में मुलाकात होगी। अब हम सब कोलकाता जा रहे हैं। हाँ वहाँ तू अगर किसी जेल में आता है तो मुलाकात हो सकती है। जा बाय। क्या हुआ, बैठ क्यों गया? उस मामा की ये मजाल, हमें बोल रहा है कि हम बच्चे हैं, हमसे नहीं होगा। इतने बड़े बड़े काम किए हैं और साल हम बच्चे हैं, वो जानता क्या अपने बारे में? ए, नाम क्या है उसका? वरुण सिंह। हो गया भाई, अब कोलकाता जाने का बंदोबस्त हो गया। अब साला हमें बच्चा बनने की हिम्मत करता है। कामू, क्या बोला था तेरा वो बुड्ढा बॉस, हम लोग बच्चे हैं क्या? हाँ हम लोग बच्चे नहीं, बच्चे के बाप है, याद रखना। तू तुम्हारा बॉस तो बुड्ढा हो चुका है अब। ये लो ये डंडा, ये तुम्हारे बॉस को जाके दे देना, काम में आएगा, पकड़। अरे बाप, कौन है ये लोग? कामो बैग बैग जल्दी जल्दी। बाप रे बाप। मजा करो। चटनी
ना चटनी गाय से बनी, फुलोरी की ना चटनी गाय से बनी, फुलोरी की ना चटनी गाय से बनी, फुलोरी की ना चटनी गाय से बनी। साला वो वरुण सिंह खुद को शाना सोचता है, सात सात बार टारगेट किया उसको, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। इतना दम था चार चार लोग भी उसे मिलकर नहीं रोक पाए। तुम लोगों ने उसे कैसे मारा? या फिर किसी और ने मारा और तुम उसका डंडा उठा के ले आए? क्यों रे, मारा कैसे उसे? गाड़ी रोक जरा। क्यों, जो बोल रहा वो करना। क्यों बे, देखना है वरुण सिंह को कैसे मारा था। जा गाड़ी घुमा ले। क्यों, कहा ना, जा गाड़ी घुमा के ला। चल जा। वरुण सिंह भी तेरे जैसे ही चिल्ला रहा था, नहीं सुना, खत्म कर डाला उसे, समझा? यस सर। सदर बाजार पुलिस स्टेशन, फोन लगाओ अभी। मामा, वो लड़के जा रहे हैं। मामा रोक लो, काम के लड़के हैं, बहुत काम में आएंगे। सर। हाँ बोलिए, ये किशनगंज पुलिस स्टेशन है। रिगार्डिंग अ मर्डर केस। अच्छा ठीक है, एड्रेस बताइए। आप कौन बोल रहे हैं? कांस्टेबल अमोल। अगर कोई सीनियर ऑफिसर है तो उन्हें फोन दीजिए। सर। हेलो, मैं अजय विश्वास किशनगंज थाना से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। पिछले 15 तारीख को सदर बाजार में एक मर्डर हुआ था, याद है? वरुण सिंह का। पॉलिटिशियन? हाँ सर। नेशनल पार्टी, इंक्वायरी चल रही है। बताइए आपको क्या जानना है? 5 नौजवान हैं, उम्र कोई 22 से 24 साल के बीच, यहाँ की जेल से भाग निकले हैं। उनके मर्डर स्टाइल से ये मर्डर स्टाइल हूबहू मिल रहा है।
इसलिए मुझे लगता है कि उन लड़कों ने ही ये कोलियारीगंज है, क्रिमिनल्स का राज चलता है यहाँ पर। यहाँ पर बाहर से आकर करना मुमकिन ही नहीं है। आप उन्हें जानते नहीं है सर। इतना बड़ा काम बच्चे नहीं कर सकते हैं सर। और वैसे भी डिफरेंट एंगल से हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी बहुत बड़े बड़े काम हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। उनके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। इसी एरिया में उनके रहने का इंतजाम कर दो। क्या बोल रहे तू? तू क्या पागल हो गया क्या? मुझे कैसे भी करके कोलकाता जाना ही होगा। उस शहर से मेरे सपने जुड़े हैं भाई। वैसे भी तुम्हारा एक काम करना था सो कर दिया, अब नहीं रुक सकते। गुड बाय। समझने की कोशिश कर मामा। ना मामा बहुत पावरफुल बंदा है। तुम लोगों को जो भी चाहिए सब मिलेगा। जो जो शहर में मिलता है वो सब यहाँ मिलेगा। ए रिंटू, समझाना इस अड़ियल को। ए, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम लोग मुझे कोलकाता नहीं जाने दोगे ना? बस एक चांस मिलने दो, अकेला चला जाऊंगा मैं। भैया कपड़ा धोने वाला बट्टा मिलेगा क्या? वो जिससे पीट कर कपड़े धुलते हैं? अरे कोई बट्टा वट्टा नहीं मिलता यहाँ पे दादा। वो ब्रश दे दीजिए ना इन्हें। अच्छा, तुम यहीं के रहने वाले हो? मैं भी यहीं की हूँ, रेलवे कॉलोनी। पिछले 4 साल से हम लोग यहीं पर हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? बिहार मोड़। ओह, उस दिन तुम्हें ऑटो से धक्का लग गया। पावनी ने मुझे सब बताया। वो शायद तुमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कब और कहाँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है। अबे ओए सुन, मैं थोड़ा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कोई पूछे तो बोल देना कि आने में देर हो सकती है, ठीक है ना? चल, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? अबे तू यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये देख, मेरा यहाँ पर जरूरी काम है। और काम के आगे अली को मंदिर ना मस्जिद दिखता है। तू जा, चल हट हट। वो आ गई है, तुम्हारे पीछे खड़ी है। ओए, 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 इधर आ। ये सब क्या है? वो लड़की। कौन सी लड़की? वो पीले टॉप वाली लड़की। नीली वाली नहीं ना? देख लेना, वरना बाद में बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा।
जा जा, अबे जाना है। समझता नहीं ये बात को। वो कौन है? तुम्हारा दोस्त है? ए, जरा इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? अली। मेरा नाम मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना? अली, मोहम्मद अली। कहाँ रहते हो? सिलीगुड़ी। मैं भी, रेलवे कॉलोनी। वो तो मेरा इलाका है। वहीं पर मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो फैक्ट्री बंद हो गई, इसलिए पिछले 4 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। वो कोल माइन है ना, अब पापा वहीं पर काम करते हैं। मैं कल्पना और ये मेरी दोस्त पावनी। उसका नाम उसी को बोलने दो ना। वो बोल नहीं सकती है। क्यों, गूंगी है क्या? हाँ, वो गूंगी है, वो नहीं बोल सकती। क्यों रे, देवा कहाँ है? अपना देवा अब देवा नहीं रहा, फूल चेंज, अब वो देव हो गया है। मतलब? दिल का फूल खिल गया है, प्यार हो गया है, प्यार। ए, तू ना, लगता है साला काफी दिनों से पिटा नहीं है, कुछ भी बके जा रहा है। हाँ, देवा और प्यार। अरे सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ। बेली, तेरे को बकवास के अलावा कुछ नहीं आता ना। मेरी बातों पर तुम्हारा विश्वास नहीं है ना, मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ। चल मेरे साथ, दिखाता हूँ तेरे को। चल, हाँ हाँ चलते हैं, चाय तो खत्म कर लो। कैंडी चाय। अरे चलना बे। वो देख वहां बैठा है अपना मजनू। हाँ बैठा है तो अबे आगे देखना क्या होता है। वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख, वो जो लड़की आ रही है ना, वो है हमारे मजनू की लैला। अबे देख रहा है ना, देख रहा है ना, देख 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 देख। अब देवा का चेहरा देख कैसे खिलता है। और लड़की का चेहरा देख रहे हैं, उसकी भी आंखों में प्यार की फुलझड़ियां चल रही है। अबे देख रहा है ना, देख रहा है ना, कैसे उस बूढ़ी के साथ भाव खा रही है खड़ी होके। देख देख देख, कितनी प्यारी है यार दिखने में। अट, इसे देख के एड़ा हो गया, मेरी वाली दिखाया तो क्या होगा। हुँ? तेरी वाली मतलब? अब ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड, फुल टकरी ना टैप। हट साला, हे चल। फालतू कहीं का, जल्दी तुम लोगों से मिलवाऊंगा उसे, तब देख के सारे जलोगे, तुम्हारे भी फुलझड़ियां जलेंगी। हाँ।
और वो सुअर के बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। अजय विश्वास चुप नहीं बैठा था। हमारे जान पहचान के लोगों पर उसका टॉर्चर लगातार जारी था, हम सबको ढूंढ निकालने के लिए। चाहे कब्र में ही क्यों ना छुपे हो, ठेठुआ पकड़ के बाहर निकाल लाऊंगा। देवा। देवा। वो जानना चाहती है तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? मेरे माँ बाप नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो कह रही है तुम रो मत, उसके भी माँ बाप नहीं है। वो जब छोटी थी तभी वो दोनों चल बसे। अपने पास रखो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। उस दिन मुझे समझ में नहीं आया कि पावनी उस औरत के साथ क्यों है। ए, साहब बुला रहे हैं तुझे। क्या बात है, क्यों बुला रहा है? ऑटो का किश्त अभी दिया नहीं है। क्या, कल ही तो तुम्हें मैंने किश्त के सारे पैसे दे दिए थे। नहीं, दरअसल मतलब वो ऑटो का क्लच प्लेट बदलवाना था ना, इसीलिए। कल ही बदलना था ना। अरे क्या हुआ? ठीक है, बोल देना, कल दे देंगे। सुनो, मैं बोलूंगा तो विश्वास नहीं करेंगे, तुम बोल दो ना। साहब बुला रहे हैं, सुनाई नहीं देता। पावनी, जाके कपड़े लेके आना। तो बाबू, वो पैसे उसने खर्च कर दिए, सोमवार को ही मैं भेज दूंगी। क्या हो गया? मुझे पता है तेरा धंधा अच्छा चल रहा है, फिर मेरे पैसे देने में क्या दिक्कत है? आपको तो पता ही है ना बाबू, कितनी मेहनत से मैं कमाती हूँ। और दारू में वो सोमवार को ही मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल सोच क्या रही हो? वो नंदिनी की बहन पावनी, पावनी ऐसी लड़की नहीं है साहब। मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम जो चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है। मैं किसी और को चाहती हूँ, वो भी बचपन से। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती।
अगर हम एक दूसरे के नहीं हो पाए तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, पर तुम ही बताओ क्या ये पॉसिबल है? प्यार किसी फूल की तरह तो नहीं है ना, कि आज सूख जाएगा और कल वापस से खिल जाएगा। प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, इसलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये ले। कौन है? देख तो जरा। चल ना। चल रहा हूं ना। पोशंपा भाई पोशंपा, चोरों ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। भाई हम जेल से क्यों भागे थे? कोलकाता जाने के लिए ना, और यहाँ पर क्या करे तो बैठे भूत बन के। हाँ बैठे रहो यहाँ पर। अबे छोड़ना, चल खेल। अबे क्या हुआ? कुछ नहीं, खेल। दिन अच्छे बीत रहे थे, लग रहा था जैसे कोई सपना हो, लेकिन तभी पावनी एक बड़ी मुसीबत में पड़ गई। इस महीने के पैसे। देख क्या रहा है, आ जा इधर। हाँ भैया। क्या देख रहा था? नहीं बस ऐसे ही। गाड़ी पसंद आई? जा चला के देख ले। मैं चलो तुम लोगों को गाड़ी में घुमाता हूँ। अब देखो तुम्हारी माँ को डराता हूँ। डरा दिया, मजा आ जाओ, आ जाओ। मेरे जान तू आ जा। अरे आराम से, आराम से। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आराम से चल। अरे दरवाजा तो खोल। मिली तूने? इसने तो आज थोड़ा ज्यादा पी लिया है।
क्या? उसने थोड़ा ज्यादा ही पी लिया, उसका थोड़ा ध्यान रखना तुम। घर पर आने की क्या जरूरत है, पड़ा रहता है रास्ते पे कहीं। दरअसल एक पार्टी थी इसीलिए। पार्टी? कौन सी पार्टी? तुम क्या गाड़ी खरीदने गए थे जो उनके साथ पार्टी की तुमने? औकात है तुम्हारी? सोच रहा था अगर वो गाड़ी। सुनो, हमें कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हमें कुछ नहीं करना, राजकुमार बाबू सब कुछ करेंगे। वो आदमी ठीक नहीं है, तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगे, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। अरे राजकुमार बाबू अच्छे आदमी है, तुम गलत मत समझो। मैंने कह दिया ना कि वो आदमी ठीक नहीं है, बस मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। अरे तो आने वाला था ना, आया क्यों नहीं? नहीं दरअसल वो अभी गाड़ी नहीं खरीदनी है, वो छह सात महीने के बाद देखेंगे। क्यों? ओहो, तेरी बीवी ने मना किया होगा ना? तू मर्द है या नहीं है? तेरी बीवी तुझ पर हाथ उठाती है और तू चुपचाप मार खाता है, हैं? तू तो कमाता है ना, फिर हाँ? केले पकड़, पकड़ चाबी पकड़। अरे रख 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 ना, जब पैसे हो तब दे देना, ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया भैया, अचानक वो ट्रक सामने आ गया। भैया मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अचानक इतने पैसे कहाँ से आए भैया? क्यों रो रहा है? चलो उठ, उठ, उठ ना, आजा, आजा, मैं चुप कर, मैं बोल रहा हूँ ना, मत रो, सुन। अरे मैं हूँ ना, मैं ए, देख मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, वो जो तेरी साली है ना पावनी, उसे भेज दे। हाँ। ये लो मामा। पावनी मासी कहाँ है? पापा ना पावनी मासी को रिक्शा में लेके गए हैं। मामा, हाँ भैया, हाँ आप कहाँ हैं? हाँ मुझे माफ कर दो, उनकी गाड़ी का मुझसे एक्सीडेंट हो गया, मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ शर्म नहीं आती, वो तुम्हारी बेटी की तरह है, तुम इसे कैसे कर सकते हो? हाँ बोलो। हाँ मुझे मारो, मुझे मार डालो, पर मैं क्या करूँगा वो तो बताओ मुझे। जो मर्जी आए वही करो, जो मन में है वही करो। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी, अब मेरी अनाथ गूंगी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। हाँ, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। Shh.
बाबू वो अभी बच्ची है बहुत, लाइन में बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं पता उसे। आप मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए बाबू, मैं उसे समझा बुझा के आपके पास ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं, पैसे दे दे मुझे। बाबू 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 रहम कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खुद इसे आपके पास ले आऊंगी एक हफ्ते बाद बाबू। तब तक मैं तो हूँ ना बाबू, मैं प्लीज बाबू। अगर तुझे कहीं ले जाना चाहे तो मत जाना। क्या हुआ, याद रहेगा ना, कहा ना मत जाना प्लीज। बेचारी पावनी और कर भी क्या सकती है, उसको जब किसी पर गुस्सा आता है तो दीवार में उसकी तस्वीर बनाकर उसे मारती है। किसी को कुछ बोल तो सकती नहीं है, इसलिए ऐसे ही गुस्सा निकालती है। उसके जीजा जी बहुत खराब हैं और उनके दोस्त लोग तो और भी खराब हैं। मैं नहीं जानती कि क्या होगा उसका, कैसे बचेगी। पैसे देने थे भूल गए क्या? 7 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए। भाग कर रहा है, मुझे पत्थर मारेगा। ए, रुक, अबे रुक, पत्थर मार। अबे साले रुक, ये तो क्या कर रहा है, हमारे दोस्त को मार रहा है। तो रुक रुक, अबे पकड़ इसको, पकड़ इसे, मार इसको, मार 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 इसको। साले हमारे दोस्त को मारता है, रुक रुक साले। ए आखिर माजरा क्या है? ये आदमी मेरी पावनी पर बुरी नजर रखता है। उस साले को तो मैं ही मार डालूंगा। रुक रुक जा। ए देख सुन, आज अगर तूने मेरे को मारने से रोका ना तो मैं तेरे ही टांगे तोड़ दूंगा। ए रुक जा। अबे रिंतु देख, तू बीच में मत पड़ा, मार डालूंगा तुझे, देख लेना। साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, रोकना उसे। अबे अली सुन तू मेरी बात। अबे सुजय के बच्चे, तू भी कुछ बोला तो पत्थर से तेरे पे खोपड़ी फोड़ दूंगा। उस लड़की के साथ क्या किया उसने पता नहीं क्या? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे। क्या कर रहे हो बीच रास्ते पर? ए रुक। अबे कुत्ते के बच्चे, कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना तू। ए तुम में से कोई आगे नहीं आएगा, जो भी करना है मैं अकेला करूंगा, बोल देता हूँ। ए गुस्सा कैसे, तुझे याद है क्या, हमें नहीं याद है क्या? तू भूल मत, इन सब के बीच वो लड़की फंसी हुई है, उस साले को तो मारेंगे ही, हम सब मिलके पूरे प्लान के साथ। राजकुमार के साथ मारपीट क्यों की तुमने? पावनी मुसीबत में है तो तुम्हें क्या, प्यार करते हो उससे? उससे प्यार करते हो तो कहीं दूर चले जाओ, पैसे मैं दे दूंगी, रिक्शा भी खरीद के दे दूंगी, तुम दोनों की लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी। उसे लेके मुझे डर है, मेरे बारे में तो तुम सब जान गए, पर
पावनी ऐसी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो। मेरी जिंदगी में पहले ही परेशानियां हैं, कभी कभी लगता है कि सुसाइड, पर नहीं होता। एक माँ होके अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में जहर कैसे दे दूं मैं? उन्हें छोड़ के भी तो नहीं जा सकती। तुम्हें देख के दिल में थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी मेरी। उन बदमाश लड़कों के साथ रहती क्यों? देखने से ही सारे गुंडे लगते हैं। जानबूझकर कोई बुरा नहीं बनता, हालात बुरा बना देते हैं। आपकी तरह हुआ तुझे? उसकी दीदी ने मुझे बुलाया था, तुम लोगों से दूर रहने के लिए कह रही थी, पावनी को लेकर कहीं दूर चले जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, पर इतना जानता हूं कि मुमकिन नहीं है। तकलीफ क्यों दे रहे हो भगवान? कौन सा पाप किया है मैंने तुम्हारे दरबार में? मेरी बिन माँ बाप की गूंगी बहन मेरे लिए तकलीफ में है, उसका क्या कसूर है? मेरा जो हुआ सो हुआ, उसे तुम दुख मत दो भगवान, उसे दुख मत दो। दीदी, दीदी, दरअसल एक बात करनी थी आपसे। हम बहुत खराब लड़के हैं, सैकड़ों बुरे काम किए हैं, और इसमें से हम कभी निकल नहीं पाएंगे दीदी। पर देवा हम लोगों जैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, हमारे साथ रहना उसकी मजबूरी है। कोई नहीं है उसका, और रहने की जगह भी नहीं है। दीदी, अगर आप देवा और पावनी को कहीं दूर भेज देंगे तो, मतलब देवा पावनी से बहुत प्यार करता है दीदी, आपने देवा को हमसे दूर रहने के लिए बोला था, पर वो उससे नहीं होगा, इसलिए हम ही उससे दूर हो जाएंगे। अबे साले, हम लोगों से अभी कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। क्यों दीदी, ठीक है ना? उस लड़की को खुश रखना, ठीक है? चल चल। रुको, यहां आओ।
रहे। आइटम को खलास करना है। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, इस इलाके का सारा कॉन्ट्रैक्ट विषय ही मिलता है। सरकारी भवन, रास्ता, अस्पताल सब इस साले की वजह से इलाके के सारे कॉन्ट्रैक्टरों का धंधा चौपट हो गया है। वो कॉन्ट्रैक्टर परसों एक बड़े कंस्ट्रक्शन के मुहूर्त पे आ रहा है साला। वापस नहीं जाना चाहिए। मेरी बहन पावनी और देवा सुबह की ट्रेन से तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। हाँ, वो एक दूसरे को चाहते हैं। बाकी मैं बाद में बता दूंगी। फिलहाल अगर कहीं कोई नौकरी का इंतजाम हो जाता तो पैसे मैं कुछ दिनों बाद ही भेजूंगी, ठीक है ना? अब रखूं? ठीक। डायमंड हार्बर में मेरे एक रिलेटिव है, पावनी और देबा वहीं जा रहे हैं। दीदी, मैं कह रहा था कि दो दिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए ये दो दिन अगर वो हमारे साथ रहता तो। ठीक है। इस काम के जो पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे देवा को दे दूं। देख, लाइफ में अपना कुछ नहीं होने वाला, पर उसकी अब फैमिली होने वाली है और उसे पैसों की जरूरत है, तो तुम लोग क्या कहते हो, बोलो। हाँ, ठीक है। सोच रहा हूँ इस काम में उसे और नहीं घसीटेंगे, हम ही करेंगे। खोद। पांच मिनट के बाद वो यहां पर आ जाएगा। उसके गले पर छुरा ऐसे चलाना कि उसके मुंह से चीख ना निकलने पाए। देवा, तू यहीं रुक, तू नहीं उतरेगा, हम उतरते हैं। जल्दी आ जा, लेट मत कर, तू आ गए हैं। अरे कब से बोल रहा हूँ तेरे को। हाँ, मैं इधर ही हूँ। Ugh!
जाने दो मुझे, जाने दो। जो मेरे दोस्त है वहाँ, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो। चलो, चलो, गाड़ी चलाओ। चुप रहो, चुपचाप बैठो यहाँ। रिंटू, रिंटू, वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये करेंगे, वो करेंगे, शिट। आराम के पिल्लों को अपने बच्चों की तरह रखूंगा सोचा था, खिलाकर पिलाकर। उन्हीं में से ये भी एक नालायक की औलाद है, ये भी नालायक की औलाद है। तूने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? तेरा ही काम करने गए थे ना वो लोग, तो गाड़ी क्यों नहीं रोकी तूने? क्यों नहीं रोकी गाड़ी? Yeah.
देवा, 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 चल देवा उठ, उठ चल, चल। सब क्या सुन रही हूँ देवा? क्यों किया तुमने ये सब? इस लड़की ने तो तुम्हें प्यार किया था, तुम पर भरोसा किया था, इसे छोड़कर क्यों गए? कल इसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ये सब ठीक कर देगा? चल, जो किस्मत में है वही होगा। चल। खत्म कर दूंगा सबको। उन सबको मारने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। उससे क्या होगा? हमें उसे बचाना होगा, हमें उस लड़की को बचाना होगा। उसे अगर हम यहीं पर छोड़कर गए ना, तो वो लोग उसे नोच कर खा जाएंगे। और फिर एक दिन ये लड़की भी शायद अपनी दीदी की तरह ही। सुन, आज से हम किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। क्या हुआ मार के? हाँ, क्या गोपाल को हम वापस ला सकते हैं? उसका जन्म हुआ था तब किसी ने खबर नहीं ली, आज वो यहाँ मर गया है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। उस लड़की की आंखों में आंसू देखे तुमने? वो जीना चाहती है। सुन, जानते हो तुझे हम अपने साथ क्यों लाए थे? क्योंकि तू उस दिन अकेला था। आज तेरी जिंदगी में वो लड़की है। तूने एक दिन कहा था ना, क्राइम तो क्राइम होता है। आज मैं बोल रहा हूँ, क्राइम क्राइम ही होता है। तुझे क्राइम की दुनिया छोड़ के चला जा, बहुत दूर, बहुत दूर, दूर, बहुत दूर चला जा। हेलो। हेलो, मैं देवा। देवा, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आप ये जानना चाहती थी ना कि मैं उसे लेकर कहीं दूर जाना चाहता हूँ या नहीं? पुलिस हमें ढूंढ रही है, कल सुबह मैं किसी भी तरह से स्टेशन पहुँच जाऊंगा। आप उसे सुबह स्टेशन भेज दीजिएगा। भेजेंगी ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पावनी, अंदर जाओ। हुआ क्या है? उड़ीसा से नंद बाबू आए हैं, होटल कोहिनूर में रुके हैं। मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं जा पाऊंगी, कल जाऊंगी। मुझसे उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। कह तो दिया तबीयत खराब है, आज नहीं जा पाऊंगी। मैं कब से कह रहा हूं कि मुझसे उन्होंने कहा है तुम्हें अपने साथ लाने के लिए, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको? Thank you.
बस थोड़ी ही देर, थोड़ी सी दूरी और बस दो स्टेशन के बाद मेरी पावनी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा सपना, मेरा प्यार। इस तरह से सब खत्म हो गया? क्या किया था मैंने? मेरा गुनाह क्या था? भरे बाजार में सैकड़ों की भीड़ के सामने मेरे मां बाप को मार डाला, मैं चाकू लेकर उसे मारने गया था, बस यही मेरा गुनाह था? या फिर जेल में मिले उन लड़कों के साथ मैं शामिल हो गया जिन्होंने पुलिस की मार से मुझे बचाया था, क्या वो मेरा गुनाह था? मैं कभी जान ही नहीं पाया कि मेरा गुनाह था क्या। वो लड़की स्टेशन पर बैठी है मेरे इंतजार में, क्या कोई जाकर उसे ये खबर देगा कि मैं अब नहीं आ पाऊंगा?